नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है और पेपरों में अक्सर आ जाती है, इसको सिद्ध करना, जो कि अब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको सुना देता हूं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जैसे देखिए ये एक त्रिभुज की भुजा है BC, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए DE, जो AB को D पर और AC को E पर मिल रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और यह DE जो है यह BC के समांतर है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी जितना AD बटा BD होगा उतना ही AE बटा EC होगा। AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। यही हमें इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में सिद्ध करना। सबसे पहला काम बच्चों ये होगा कि इस B को हम E बिंदु के साथ मिलाएंगे, इस प्रकार से इस D बिंदु को C बिंदु के साथ मिला देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप जो करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, रचना जॉइन। जॉइन का मतलब जोड़ दो B को E से यानी BE एंड C को D से यानी CD। इसके अलावा एक हमें और भी रचना करनी है, इस D से AC पर एक लंब खींचना है, लंब यानी 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 डिग्री का कोण यहां हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं M, DM। तो रचना क्या हो गई, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी ये लंब होना चाहिए किस पर, AC पर, और E से एक लंब खींचेंगे AB पर। इसे नाम देते हैं N, EN, जो कि लंब होगा AB पर। ये रचना है हमारी, ये रचना है यानी हमने अलग से ये बनाया है। आइए अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज ADE, यह त्रिभुज हमने लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना बच्चों। तो हाफ इंटू बेस, बेस लेते हैं AD को, गुना इस AD पर लंब कौन सा होगा, EN। देखिए ये AD बेस है और इस पर EN लंब है, तो हाफ इंटू AD गुना EN। इसी प्रकार यदि मैं एक त्रिभुज लेता हूं BDE, ये वाला BDE, ये देखिए ये वाला त्रिभुज BDE, तो इसका भी जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, AR मतलब एरिया, एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ
इसमें मैं बेस लूंगा बीडी को, बीडी गुना। अब देखिए इस बीडी के लिए इस त्रिभुज में जो लंब है वो यही है ई एन, वो लंब यही है ई एन, ये वाला। देखिए ध्यान से बच्चों, ये एक त्रिभुज है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है बी डी ई, लेकिन इसका जो लंब होगा वह त्रिभुज से बाहर होगा ई एन। ठीक है बच्चों, तो हाफ इंटू बी डी गुना ई एन। बच्चों इसी प्रकार आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, फिर से लेकिन इस बार हाफ इंटू बेस, पिछली बार हमने बेस ए डी लिया था, इस बार मैं बेस ले रहा हूं ए ई। तो इस ए ई बेस पर जो लंब होगा वो होगा बेटा ये डी एम। देखिए ये ए ई पर यह लंब है डी एम, तो यहां मैं लिखूंगा डी एम। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से एक और त्रिभुज हमने लिया, वह त्रिभुज हमने लिया है त्रिभुज डी ई सी, यह वाला त्रिभुज डी ई सी। इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस, डी ई सी में बच्चों बेस लेंगे सी ई, और इस सी ई के लिए जो लंब होगा वह यही होगा डी एम त्रिभुज से बाहर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भाग करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, एरिया ऑफ एडीई बटा, यहां ट्राइंगल का निशान है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई यह किसके बराबर होगा, देखिए यह है हाफ इंटू ए डी गुना ई एन बटा बी डी ई का एरिया था हाफ इंटू बी डी गुना ई एन। तो देखिए बच्चों इसमें ई एन से ई एन कट जाएंगे आपस में, हाफ से हाफ भी कट जाएंगे आपस में, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी बच जाएगा। इसी प्रकार से इस समीकरण को इस समीकरण से भाग करेंगे, इसे मैं किसी और कलर से करता हूं ताकि आपको दोनों ही चीजें आराम से साथ साथ दिखाई देती रहे। एरिया ऑफ ए डी ई ट्राइंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो नीचे वाला था डी ई सी, ऊपर वाले से देखिए हमारे पास आएगा हाफ इंटू ए ई गुना डी एम बटा, नीचे वाली समीकरण से हमें मिलेगा हाफ इंटू सी ई गुना डी एम। अब फिर से बच्चों देखिए यहां पर हाफ से हाफ कट जाएगा, डी एम से डी एम कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा ए ई बटा सी ई। ठीक है बच्चों, हम इस इक्वेशन को दे देंगे इक्वेशन वन, इसको दे देंगे इक्वेशन टू। अब बच्चों एक चीज और आपने ध्यान से अभी देखनी है, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार
डीई तथा समांतर रेखाओं के कौन कौन सी त्रिभुज बीडीई और डीईसी, बीडीई और डीईसी ये एक ही आधार बीसी पर, सॉरी डीई पर टिके हैं, और दो समांतर रेखाओं डीई और बीसी पर आधारित हैं। और हमें पता है जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर हों और दो समांतर रेखाओं के बीच में हों तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। BC तथा DE के मध्य हैं, इसका अर्थ है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 में ADE बटा BDE है, इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड की बात हो रही है ADE है, यानी इनके अंश बराबर हैं। BDE और DEC अभी हमने इक्वेशन 3 में बराबर किए, इसका मतलब क्या हुआ कि ADE बराबर, BDE DEC भी बराबर, इसका मतलब लेफ्ट साइड के बराबर है, और यदि लेफ्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड के बराबर होगी। अतः हमें प्राप्त होगा AD राइट साइड है, AD बटा BD यह बराबर होगा दूसरी इक्वेशन की राइट साइड AE बटा CE के, यानी कि AD बटा BD बराबर है AE बटा CE के। यही हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में सिद्ध करना था। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये अन्य दो भुजाएं बराबर समानुपातों में विभाजित होंगे। जितना समानुपात इनका होगा, जितना अनुपात इनका होगा, उतना ही अनुपात इनका होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सिद्ध करना था AD बटा BD बराबर है AE बटा CE के, वो हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस पर